2000 रुपए के बजट के अंदर आने वाली टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स। अब वैसे मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर मैं जो ईयरबड्स की बातें करने वाला हूँ उनमें मेजर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का आपको बिल्ड क्वालिटी में मिलेगा, देन हल्का फुल्का आपको साउंड क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, नंबर वन वाली सबसे बेस्ट होने वाली है क्योंकि वहाँ पर आपको ANC तक का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी 1800 रुपए के बजट के अंदर। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी प्राइस करीबन 2200-2300 रहती है, बट करंटली वो आपको एक सेल है या फिर आप बोल सकते हैं पता नहीं कैसे, बट अमेजोन पर वो आपको सिर्फ 1800 रुपये मिल रही है। एंड मैंने उसे परचेज किया था बहुत पहले में एक फ्रेंड के लिए, उसने यूज़ भी की थी, मैंने भी टेस्ट किया था, भाई कमाल की ईयरबड्स है, उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप 3 के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे व्यूअर्स कैसे हैं, वो सिर्फ 2 या 2.5 मिनट वीडियो देखते हैं, तो उससे बेटर कि आपको कम से कम टॉप 3 के बारे में तो पता होना चाहिए। सो यहाँ पर नंबर 3 पर आपको देखने मिलती है रियलमी की तरफ से आने वाली रियलमी की बर्ड एयर 3 नियो। अब बेसिकली ये आपको 2000 रुपए की प्राइस के अराउंड देखने को मिल जाती है, कभी कभी 1900 या फिर 1800 के अराउंड भी आपको मिल जाती है। 10mm के यहाँ पर आपको डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर साथ में आपको ENC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप ENC एंड ANC के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ENC का मतलब होता है एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन, जो कि आप कॉलिंग वगैरह करते हो तो माइक की जो ऑडियो है उसमें आपके एनवायरमेंट की जो नॉइस है वो कैंसिल हो जाती है, यानी आपके सामने वाले बंदे के पास आपकी जो ऑडियो है वो काफी साफ जाती है, काफी क्लियर जाती है। बट यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ANC है, ANC का मतलब होता है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, एंड दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। देन यहाँ पर यदि हम बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 आवर का टोटल बैटरी बैकअप मिल जाता है, यहाँ पर आपको 460 mAh की बैटरी दी गई है, एंड साथ में ईयरबड की बात करें तो वहाँ पर आपको 40 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी काफी डिसेंट समय भी आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, एंड साथ ही में आपको यहाँ पर IPX5 की रेटिंग मिल जाती है। अब यदि आपको IP रेटिंग के बारे में नहीं पता है तो IP रेटिंग में जो पहला जो नंबर होता है ना वो होता है डस्ट वगैरह के लिए, यानी आप उसे सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो नंबर होता है वो होता है वाटर वगैरह फिर लिक्विड वगैरह के लिए, तो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि IP रेटिंग का मतलब क्या होता है। एंड इन सभी फीचर्स के अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर आपको 88 mAh की लो लेटेंसी मिल जाती है, यानी आपको लो लेटेंसी डिसेंट सी मिलती है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली यदि आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको वहाँ पर 4660 mAh की लो लेटेंसी की जरूरत पड़ती है, बट 88 mAh की बात करें तो वो ठीक है, डिसेंट सी है, गेमिंग वगैरह के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, यानी आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो ये वाली ईयरबड्स यूज नहीं कर सकते, बट नॉर्मल यूज के लिए आप इसे पर्सनली यदि यूज करना चाहते हैं तो वो इजीली वहां पर आप कर पाओगे। अब यहां पर बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, यानी इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो यहां पर जो आपको साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी मिलती है, एंड साथ में आपको जो ऐप सपोर्ट है वो तो मिल ही जाता है, तो यदि आप ऐप के थ्रू आप रियलमी की जो लिंक ऐप है उसके थ्रू इसे कनेक्ट करते हैं तो आप इसे बेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके जो टच कंट्रोल है उन्हें आप खुद ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी आपको कंट्रोल चेंज करने वो इजिली कर पाएंगे। एंड यहाँ पर यदि साउंड क्वालिटी की बात करें तो मैंने जितने भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है ना सभी ने कहा कि भाई साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, बेस काफी अच्छा है, दोनों के जो बैलेंस है वोकल्स और बेस का वो काफी आपको कॉम्बिनेशन काफी अच्छा मिल जाता है, एंड पर्सनली आपको भी काफी पसंद आने वाले हैं। देन यहाँ पर यदि हम बात करें लिस्ट में नंबर 2 पर आने वाली ईयरबड्स के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ओप्पो की तरफ से आने वाली ओप्पो एनको बर्ड 2। अब वैसे बेसिकली इसकी जो प्राइस है वो 2000 के अराउंड रहती है, कभी कभी आपको 1800 की भी मिल जाती है, एंड यहाँ पर सबसे बेस्ट बात है इसकी साउंड क्वालिटी, भाई एक नंबर की आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। जितने भी यूट्यूबर्स के मैंने रिव्यू देखे उन्होंने बताया कि इसकी साउंड क्वालिटी में क्या होता है कि इसकी साउंड क्वालिटी में वोकल्स काफी क्लियर आते हैं, काफी स्मूथ आते हैं, जो कि ऑब्वियसली ओप्पो की ईयरबड्स में आपको मिल ही जाते हैं। देन यहाँ पर आपको जो इसका बेस है वो भी हल्का सा बूस्टेड मिलता है, जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। बाकी जो फीचर है वो लगभग आपको सिमिलर ही मिलते हैं, उनके बारे में अब बात कर लेते हैं। इन वाली ईयरबड्स का आपको जो केस मिलता है वो एक राउंड शेप में मिलता है, जो कि एक मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर भी आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करते हैं, साथ में आपको यहाँ पर ENC का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर भी आपको ANC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 28 आवर का यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है केस के साथ। ब्लूटूथ 5.2 का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। IPX4 के यहाँ पर आपको वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। देन साथ ही में आपको यहाँ पर 80 mAh की लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये गेमिंग वगैरह के लिए आप यूज ना ही करें तो बेटर रहेगा। सो गाइस यहाँ पर यदि हम ओवरऑल देखें तो इन वाली ईयरबड्स के जो बेसिक फीचर है वो तो कमाल के हैं ही, साथ में आपको साउंड क्वालिटी ओप्पो की ईयरबड्स की काफी अच्छी होती है, तो उस हिसाब से काफी अच्छी है। प्राइस भी 1800-2000 के अंदर वेरी करती है, तो वो भी काफी अच्छी आपके लिए हो सकती है। फाइनली गाइस यदि हम बात करें लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाली ईयरबड्स के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है रियलमी की तरफ से आने वाली रियलमी बर्ड Q2। अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो बेसिक प्राइस है वो 2200-2300 के अराउंड रहती है, बट करंटली ये आपको 1800 रुपये में अमेजोन में मिल रही है, एंड इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी जो भी मैं बता रहा हूँ
उन सभी की लिंक मिल जाएगी। एंड यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक से परचेज करना, अमेजोन की लिंक है। एंड साथ में इसके स्पेक्स के बारे में बात करें तो वो तो अच्छे हैं ही, साथ में आपको यहाँ पर ANC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ANC का सपोर्ट आपको 2000 की ईयरबड्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, करीबन ऊपर के ही में मिलता है, बट यहाँ पर आपको 1800 में मिला है, तो भाई आपको ये डील बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड साथ में ये वाली ईयरबड्स मैंने एक फ्रेंड को भी सजेस्ट की थी एंड काफी अच्छे रिव्यू थे उसके, एंड मैंने भी पर्सनली से चेक किया था, तो भाई काफी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, एंड मैं बोलूंगा कि भाई 2000 रुपए के अंदर तो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। बाकी स्पेक्स की बात करें तो वो काफी सिमिलर है हमारी बाकी ईयरबड्स से। 10mm के यहाँ पर आपको बेस बूस्ट ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको ANC का सपोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पर यदि बैटरी की बात करें तो 20 आवर का आपको यहाँ पर प्ले बैक देखने को मिल जाता है केस के साथ। देन यहाँ पर आपको साथ में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। चार्जिंग की बात करें तो 10 मिनट चार्ज करने पर ये आपको 3 आवर तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा देती है। साथ में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। IPX5 की यहाँ पर आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। 88 ms की लो लेटेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगेन इसके साथ भी आपको यहाँ पर रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप इसके कंट्रोल्स वगैरह को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड आपको यदि बेस वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज करना है तो उसके थ्रू आप इजिली इस ऐप के थ्रू आप कर पाएंगे। यहाँ पर यदि हम ओवरऑल देखें ना, तो भाई 2000 के बजट के अंदर ये एक बेस्ट ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाती है। देन मैं आपको बताऊं बाकी जो नंबर 4 एंड नंबर 5 पर आने वाली है वो मैं आपको इतनी रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको मोस्टली ये 3 ही रिकमेंड करता हूं। देन वो उनको रिकमेंड करता हूं जिनका बजट थोड़ा कम है, जिनके पास 1500-1600 का बजट है वो उन्हें परचेज कर सकते हैं, वो 1500-1600 के अंदर बेस्ट ईयरबड होने वाली है। अब यहां पर नंबर 4 पर जो ईयरबड आती है वो है रियलमी की तरफ से आने वाली रियलमी टेक लाइफ बर्ड T100। यहां पर यदि स्पेक्स की बात करें तो इसके स्पेक्स भी काफी सिमिलर जो मैंने बाकी ईयरबड्स बताई उनसे काफी सिमिलर है। यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की वो भी आपको काफी डिसेंट सी मिल जाती है। एंड नंबर 5 पे आने वाली ईयरबड की बात करें तो वो है बोट की तरफ से आने वाली बोट की एयरडोप्स 181। ये काफी अच्छी ईयरबड्स है जो मैं काफी लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ, बट काफी पहले कर चुका था, क्योंकि अब तो काफी सारी आ चुकी है जो 2000 के बजट के अंदर। अभी ये बता रहा हूँ रियलमी वाली जो 1500 की आती है ये भाई इसमें प्राइस के अंदर बेस्ट है, मतलब 1500 के अंदर आपको लेनी है तो भाई ये एक बेस्ट ईयरबड होने वाली है। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर बोट वाली 181 भी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि रियलमी वाली 1500 वगैरह के आसपास आपको ना मिले या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो तो ये वाली आप परचेस कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है एंड जो बेसिक स्पेक्स है वो भी काफी कमाल के मिल जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी टॉप 5 ईयरबड्स जो कि आपको 2000 के बजट के अंदर बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कराती है। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड यदि आपको कोई भी परचेज करनी है तो सभी की बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे चैनल को जो सपोर्ट मिलेगा ही एंड आपको भी एक बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टेक या टेक न्यूज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।